वेलकम फ्रेंड्स टू होम गार्डनिंग मेड इजी। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल 3-in-1 वीडियो लेकर के आया हूँ जो 3 पार्ट्स में रहेंगी दोस्तों। पहले पार्ट जो है वो अनबॉक्सिंग वीडियो है। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि बल्ब्स को कैसे हम लोगों ने सो किया है, और थर्ड पार्ट्स में हम लोग उसके रिजल्ट को देखेंगे कि ग्रोथ कैसी है। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मैं इंडिविजुअल बाइक की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं ये पिक चला देता हूं और आप वहां से देख के समझ जाइएगा कि मैंने क्या क्या बाइक किया हुआ है और उसकी प्राइस कितनी पड़ी है। टोटल मिला करके मेरी ये 1443 की बाई रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यह मैंने जो है मंगाया था सीड्स एंड पॉट्स से। दोस्तों ये डेफोडिल्स के बल्ब हैं, इसमें कैक्टस के सीड्स हैं, और सबसे मजेदार बात है दोस्तों कि इनके ऊपर सोइंग एंड ग्रोइंग इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है। ये पिटूनिया, ये विंका, ये रेनुनकुलस के कॉर्म्स हैं, कॉर्म्स कहिए या बल्ब्स कहिए। ट्यूलिप के 4 different types ऑफ बल्ब्स हैं, 4 different colors में है दोस्तों। यह जो है सैफरन के बल्ब्स हैं, ये 5 bulbs हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये कश्मीरी सैफरन है, केसर केसर के बल्ब्स हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पहली बार केसर उगा रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट में वेदर केसर ग्रो करती है या नहीं। तो ये दोस्तों मेरे सारे पैकेट्स हैं जो मैंने अब निकाल ली हैं। टोटल मुझे मिला करके पड़ा है 1443 rupees। दोस्तों अब हमारा पार्ट टू स्टार्ट होता है। दोस्तों पार्ट टू प्लांटिंग से रिलेटेड है या सोइंग से रिलेटेड है, जिनमें हम इन प्लांट्स को, इन बल्ब्स को और इन सीड्स को ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले मैं सैफरन के बल्ब्स को लगा रहा हूँ। ये सैफरन के बल्ब्स हैं दोस्तों, ये 5 bulbs हैं। ये मैंने मिट्टी का एक गमला लिया हुआ है और इस तरह से मैं एक नेट को नीचे रखता हूँ और उसके ऊपर एक पुराने पॉट के टुकड़े को रख देता हूँ। मैं अपने हर गमले में इसी तरह से नेट से छेद को भरता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सैफरन है, ये कोल्ड बट ड्राई वेदर में ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने मिट्टी को वेल ड्रेन करने के लिए नीचे से जो है दोस्तों ईंट के टुकड़े लगा दिए हैं और मैंने इसे बलुई मिट्टी से भर दिया है। अब दोस्तों मैं ग्लैडियोलस को लगाने जा रहा हूँ। आपने मेरे पहले वाली विंटर बाइक की अगर वीडियो को देखा होगा दोस्तों, तो आपने उनमें इन बल्ब्स को देखा था। ये वही बल्ब्स हैं जिन्हें मैंने इस टिफिन में ढक करके रख दिया था। लगभग 1 हफ्ता तक रखने के बाद मैंने पाया कि इनमें शूट्स अच्छी आ चुकी हैं और रूट्स भी इस तरह से निकल चुकी थी दोस्तों। देखिए कितनी अच्छी शूट्स निकली हैं। मैंने इसे बिल्कुल अंधेरे में ढक्कन से ढक करके रख दिया था।
सभी बल्ब्स में रूट्स और शूट्स आ चुकी हैं। इन पांचों को मैंने इस तरह से गमले में, एक ही गमले में लगा दिया। दोस्तों, ये मेरी मिट्टी काफी रिच है, इसमें मैंने बहुत सारा कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं लगा रहा हूं डबल पिटूनिया के सीड्स को। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि पिटूनिया को आप जो है सिर्फ कोकोपीट में लगाइए, लेकिन मैंने जो है एक मिट्टी के फ्लैट गमले को लिया हुआ है, नीचे से मैंने उसमें आधे तक मिट्टी भर दी है और ऊपर से जो है मैं कोकोपीट बिछा रहा हूँ। इस छोटी सी फाइल में दोस्तों सीड्स हैं, 20 सीड्स हैं पिटूनिया के, काले काले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 20 सीड्स हैं इसके अंदर। इन्हें हम लोग जो है ध्यान से खोल करके इसमें डालेंगे। मैंने थोड़ा सा उसमें जो है फंगिसाइड पाउडर मिला दिया था ताकि जो है सीड्स में ब्लू कलर चढ़ जाए और मैं जब सीड्स को बिखोर लगाऊं तो सारे मुझे दिखाई दें। आप भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वाइट वाइट डॉट्स ये सीड्स ही हैं। अब मैंने इसके ऊपर हल्के से, बिल्कुल हल्के से जो है कोकोपीट को बिछा दिया है और वाटरिंग कर दे रहा हूँ। मैंने इसे अब प्लास्टिक रैपर से रैप कर दिया है दोस्तों, और इसे अब मैं फुल सन में रखूंगा। दोस्तों, ये फ्रीसिया के बल्ब्स हैं, लेकिन इनको लगाने से पहले मैंने रेनुनकुलस के 5 बल्ब्स को पानी में अच्छे से भिगो दिया था, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैं फ्रीसिया को बल्ब्स को मैं लगा रहा था। ये दोस्तों फ्रीसिया के 10 बल्ब्स हैं। सारे बल्ब्स को दोस्तों पॉटिंग सॉयल लगभग एक समान होती है। आप 1/4 कोकोपीट, 1/4 गार्डन सॉयल, 1/4 जो है सैंड, 1/4 कंपोस्ट ले सकते हैं दोस्तों। अगर परिमाण थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए तब भी चलेगा, मिट्टी ज्यादा ना दे, अगर ज्यादा ही देनी हो तो सैंड ज्यादा कर दे दोस्तों। ये मैंने फ्रीसिया के बल्ब्स को लगा दिया है दोस्तों। ये रेनुनकुलस के बल्ब्स मैंने आधे घंटे में पानी से भिगो करके रखा था, यहां तो 5 हैं, लेकिन जब मैंने इनको ध्यान से देखा तो एक बड़ी बल्ब में 2 छोटी छोटी बल्ब भी लगी हुई थी। मैंने उनको खोल करके यहां लगाया था तो मुझे 7 बल्ब मिली हैं। देखते हैं दोस्तों इनकी जर्मिनेशन कैसी होती है। इनको हमें नीचे क्लॉज को नीचे करके रखना पड़ता है। मैंने ज्यादा डीप नहीं लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि सड़ने का डर होता है। ये डेफोडिल्स हैं, इनके 2 बड़े बड़े बल्ब्स हैं दोस्तों। इन्हें मैं एक बड़े से मिट्टी के ही गमले में लगाऊंगा दोस्तों। अब हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म होने वाला है और इस वीडियो का थर्ड पार्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है, जो है ग्रोथ। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी मेहनत कितनी रंग लाई है। चलिए दोस्तों थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। ये दोस्तों फ्रीसिया के बल्ब्स हैं, पहले दूसरी वेबसाइट से मंगाए थे, बड़े बड़े बल्ब मुझे मिले थे जो मैंने इनमें ग्रोथ पहले ही कर दी थी, तो उनकी ग्रोथ काफी अच्छी है। ये बड़े बल्ब्स थे, थोड़ी कॉस्ट भी इनकी ज्यादा थी, इनके प्लांट्स भी थोड़े बड़े निकले हैं। और जो मैंने सीड्स एंड पॉट से मंगाई थी 10 बल्ब्स, वो जो है मैंने इनमें लगाई थी तो उनमें से छोटी छोटी प्लांट्स निकल रही हैं, उनके बल्ब भी बहुत ज्यादा ही छोटे थे। ये तो गेहूं है दोस्तों, साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये जो है फ्रीसिया के बल्ब्स हैं, सारे ही लगभग जर्मिनेट हो चुके हैं। ये दोस्तों डेफोडिल्स के बल्ब्स हैं जो अभी तक जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं ली है। डेफोडिल्स, सैफरन और ट्यूलिप से मैं बहुत आशा रखता हूं।
ये दोस्तों ग्लैडुलस के 5 बल्ब्स हैं जिनमें 4 जर्मिनेट हो चुके हैं और एक अभी तक राइट साइड वाली नहीं हुई है। ये दोस्तों रेनुनकुलस के हैं जो काफी सुंदर तरीके से फूट पड़े हैं और इनमें सब में 7 रेनुनकुलस के बल्ब्स में ग्रोथ आ चुकी है दोस्तों। और ये रेनुनकुलस के 5 बल्ब जो मैंने पहले ही मंगा लिए थे, ये बड़े बल्ब्स थे, ये मैंने इनमें पहले लगाया हुआ था जो अभी काफी बड़ी हो चुकी है। ये मैंने एक दूसरी वेबसाइट से मंगाई थी दोस्तों, फ्रीसिया के बल्ब भी मैंने पहले ही उधर से मंगा ली थी, काफी बड़े बड़े बल्ब मुझे मिले थे। थोड़े से कॉस्टली मुझे पड़े थे दोस्तों। ट्यूलिप्स अभी तक ऊपर नहीं आई हैं। आशा करता हूं कि ये भी जल्दी ग्रोथ ले लेंगी दोस्तों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कश्मीरी सैफरन केसर, ये तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है इसकी, ये अच्छे से ग्रोथ ले रहा है। इसमें मैंने 2 ही बल्ब्स लगाई हैं और दूसरे गमले में मैंने 3 बल्ब्स लगाई हैं। इसमें भी इसमें 2 हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट है सिनेरेरिया का, जिनकी सीड्स मैंने दूसरी वेबसाइट से मंगाए थे और मैंने उनको जर्मिनेट भी कर लिया है और इन्हें ग्रो बैग्स में भी लगा दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो 3-in-1 वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरे क्रिसैंथेमम है जो मैंने 3 साल से मैं इनको लगा रहा हूँ, ये मदर प्लांट से ही हर साल मैं इन्हें बना लेता हूँ, ये व्हाइट वैरायटी वाली और इस पिंक वैरायटी वाली को आप देखिए दोस्तों। फ्लावरिंग्स दोस्तों इतनी आई है कि आप इतनी हुई कि आप गिन भी नहीं सकते दोस्तों। फ्लावरिंग देखिए दोस्तों, गिनना मुश्किल है कि कितने फूल खिले होंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे गार्डनर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।